हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास में हूँ। तो यहाँ से जा रहे हैं नेहरू प्लेटेरियम, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का म्यूज़ियम है। वहाँ पे वो जब फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे तो उनका वहीं पे निवास मिला था, तो वहीं पे जा रहे हैं। नहीं, वो त्रिमूर्ति के सामने में ही है जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम, जो कि उसका अब नाम चेंज हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम को नाम चेंज कर दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने में जाके दिखाता हूँ उसका क्या नाम है, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी जानते हैं अंदर पे जाके। जितना भी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, सबका यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए अब अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय है यहाँ पे, नाम अब चेंज हो चुका है जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम का नाम से था। तो आप लोग देख सकते हैं गेट में वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा था। तो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे एंट्री मिलती है, नहीं तो फिर वरना एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम था, अब उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अब है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि यहाँ पर जितना भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, सबके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो अंदर ही जाना है, तो चलिए। और यहाँ पे आप अपने बाइक से आ रहे हो या अपने कार से आ रहे हो, तो यहाँ पे पार्किंग का भी सुविधा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर की तरफ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं अंदर कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर कब 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 बने थे और कितने साल के लिए बने थे, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के, तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे रहते थे। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर विस्तार से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर ही दिखा रहा हूँ। तो जो आप लोग पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, और उनको प्रधानमंत्री जब बने थे वो फर्स्ट प्रधानमंत्री, तब उसको मिला था यहीं पर रहने के लिए, और वो आखिरी सांस तक यहीं पर रहे थे, और मरने के टाइम पर भी वो यहीं पर थे। तो चलिए मैं तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, वो है एक तारा मंडल, जो कि वहाँ पे सारा मंडलों के ग्रहों के बारे में बताया जाता है। तो अगर ओपन होगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए, और आप लोग को इधर टिकट मिल जाएगा, टिकट काउंटर इधर है, आप लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा, तब जाके फिर अंदर में एंट्री मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा टिकट की जानकारी देता हूँ, टिकट कितना का है और क्या क्या है उस पर। तो टिकट घर ये रहा, तो चलिए अब टिकट लेते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल टिकट है, एक 100 का भी है और दूसरा 220 का ही है। तो 220 में सारी चीज़ आ जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो कि यहाँ पे है उनका म्यूज़ियम है। जो जवाहरलाल नेहरू जी जब इंडिया का सबसे पहला प्रधानमंत्री बने थे, तो उस टाइम पे उनका क्या रोल था और उस समय उनका क्या पोजीशन में था, यहाँ पे उनको रूम दिया गया था, वो भी रूम है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उनका क्या गिफ्ट मिला था, कहाँ से कितना गिफ्ट मिला था, सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो पर शेयर करता हूँ। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं मेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के पुस्तकें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोफा है, डाइनिंग हॉल, और यहीं देख सकते हैं यहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी का आखिरी दम यहीं पे टूटा था। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैन है यहाँ पे पुराना जमाने का, जब जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी
इंडिया का प्रधानमंत्री थे उस समय का, ये सारा चीज़ उनको यहीं पे फैसिलिटीज़ दिया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनके यहाँ पे पुस्तकें हैं, वो पढ़ते थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये सोफा में बैठते थे, जिस तरह था उसी तरह यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी यहीं पे बैठते थे, ये उनका सिटिंग रूम है यहाँ पे, कुछ भी मीटिंग वगैरह सब यहीं पे होता था मीटिंग, ये सिटिंग रूम है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है जवाहरलाल नेहरू जी का स्टडी रूम, तो यहीं पे वो बैठते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जो यहाँ पे वो बैठ के यहीं पे पढ़ते थे, यहीं पे वो बैठ के पढ़ते थे। तो चलिए मैं आप लोगों को अब जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ गिफ्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो काफ़ी देशों से उनको मिला था गिफ्ट। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा गिफ्ट मैं आप लोगों को उनको दिखाता हूँ, को नेपाल से क्या मिला था, चाइना से क्या मिला था, सारे गिफ्ट मैं आप लोगों को इसी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पे गिफ्ट मिला गया था, दो लेडीज़ है, एक लेडीज़ यहाँ पे इनका हेयर बना रही है, बाल बना रही है, जो ऐसा पुतला जवाहरलाल नेहरू जी को गिफ्ट के तौर पे दिया गया था, जो दिए थे उनका नाम था रॉय चौधरी, आर्टिस्ट थे वो। तो चलिए मैं आप लोगों को उनका कुछ गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स मिला था उनको इंग्लैंड से, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे बुद्धा जी बैठे हुए हैं, और ये चाइना से बॉक्स मिला था, और ये नेपाल का कुछ, ये नेपाल से गिफ्ट मिला था। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये उन्हें गिफ्ट में मिला था, ये सारा जितना भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको सारा ये गिफ्ट। तो चलिए अब चलते हैं इंदिरा गांधी जी का बेडरूम देखते हैं, उनका बेडरूम में क्या क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ टेबल पे, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बेडरूम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी अपनी आखिरी सांस यहीं पे दम तोड़ी थी, तो उनका आप लोग बेडरूम देख सकते हैं। देख सकते हैं सारा गिफ्ट यहाँ पे रिसीव हुआ है नरेंद्र मोदी जी से। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा यहाँ पे गिफ्ट दिखाता हूँ जो जो मोदी जी यहाँ पे रिसीव किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है गिफ्ट रिसीव बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए मैं आप लोगों को सारे गिफ्ट इसमें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमरीन मॉडल यहाँ पे दिया गया है रशिया से यहाँ पे सबमरीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रशिया से यहाँ पे सबमरीन मिला है गिफ्ट, फिर रशिया से फ्रॉम दूसरा भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे शिप देख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे है ओमैन मॉडल ऑफ अ शिप, ओमैन से मिला गया है, और यहाँ पे कतार से भी यहाँ पे एक शिप मिला गया है, सेलिंग बोट है यहाँ पे। तो फिर चलिए दूसरी तरफ और क्या क्या गिफ्ट मिला है नरेंद्र मोदी जी को, तो चलिए मैं आप लोगों को सारा चीज़ इसमें दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा गिफ्ट भी मिला है मलेशिया से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेपाल से क्या मिला है उनको एक। फिर चलिए मैं आप लोगों को और मैक्सिको से क्या मिला है उनको, तो चलिए मैं आप लोगों को सारा गिफ्ट इसमें आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेक्सिको से क्या मिला है उनको, नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेट दिया गया है फूल का, फिर यहाँ पे एक गिलास है, तो
जापान से एक गिलास है दोनों, फिर यहाँ पे ये प्लेट जो है ये रसिया से मिला है, फिर ये जो थाईलैंड से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कप है और प्लेटेज है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रसिया से क्या क्या मिला था, कितना भाई रसिया से मिला ना मोदी जी को, जापान रसिया सब वहीं से मिला है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से गिफ्ट मिला गया है ना मोदी जी को यहाँ पे, इस गिफ्ट को क्या बोलते हैं, बीच का तो मैं दिखा नहीं, मैं आप लोगों को भूल गया, तो आप लोग देख सकते हैं भूटान से क्या मिला है उनको, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर परफ्यूम। अच्छा यहाँ ये परफ्यूम है गोल्ड का, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर परफ्यूम भूटान से मिला है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को और दूसरा चीज़ मैं दिखाता हूँ, बॉक्स यूएसए, यूएसए से एक बॉक्स मिला हुआ है देख सकते हैं आप, मलेशिया से यहाँ पे एक सिल्वर पॉट मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और भी नरेंद्र मोदी जी को गिफ्टेड मिले हैं, तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये भी गिफ्ट मिला है नरेंद्र मोदी जी को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये गिफ्ट कहाँ से मिला है, तो ये गिफ्ट मिला था इंडोनेशिया से और रसिया से और मालदीव से भी यहाँ पे गिफ्ट मिला है। तो फिर चलिए और इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये सारे गिफ्ट मिले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो चलिए मैं इधर ये सारे गिफ्ट मिले थे मनमोहन सिंह जी को, तो चलिए मैं आप लोगों को मनमोहन सिंह के गिफ्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मनमोहन सिंह को सबसे पहले मिला था मॉडल ऑफ अ सोल्जर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉडल ऑफ अ सोल्जर, और भूटान से मिला था यहाँ पर सिल्वर बॉक्स भी था गोल्ड प्लेटिनम, फिर यहाँ पर इजिप्ट से मिला था इनको मॉडल ऑफ रॉयल सिप, एक सिप मिला था इजिप्ट से, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ये भी, और रशिया से मिला था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रशिया से मिला था एक एकदम डिजाइनिंग से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे यूएसए से एक स्टोन पत्थर मिला था इस यूएसए से, वो भी गिफ्ट है, ये गिफ्ट मिला था मनमोहन सिंह जी को यूएसए से, और यूक्रेन से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वुडन कर प्लेट मिला था, वुडन यहाँ पे मतलब लकड़ी का प्लेट मिला था यहाँ पे मनमोहन सिंह जी को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक लकड़ी का सीप जहाज, लकड़ी का जहाज मिला था गिफ्ट पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत और चाइना का रिलेशन के बारे में, यहाँ पे आप लोगों को अच्छा से जानकारी मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे आके जरूर विजिट करें, और रिलेशन चाइना के साथ क्या रिलेशन है सारा इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार है जो, तो ये गाड़ी 10th प्राइम मिनिस्टर का था जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये गाड़ी है, जो कि उनको जब 10वीं प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो ये उनको गाड़ी मिला था प्रधानमंत्री को। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ, मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तारामंडल है, जो तारामंडल अभी क्लोज है, तो मैं इसमें अभी तारामंडल 3D में बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तारामंडल बंद है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं आऊँगा और तारामंडल में आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ।